इसराइल के ईरान पर हुए हमलों से तेहरान का शीर्ष नेतृत्व प्रतिशोध की आग में जला जा रहा है। ईरान की ओर से लगातार इसराइल पर धमकियां और चेतावनियां की बौछार हो रही हैं। इससे इजरायली खेमे में भी खासा चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है। इजरायली सेना भी ईरान के संभावित हमलों को लेकर फुल प्रूफ तैयारी में है। इस बीच एक खबर से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने एयर स्पेस में हुए इजरायली हमलों का निश्चित और दर्दनाक जवाब देगा। ये हमला 5 नवम्बर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले होगा। ऐसे में इसराइल में जबरदस्त खलबली मच गई है। इस खबर ने समूचे मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान और इसराइल के बीच का तनाव हर दिन नया मोड़ ले रहा है, साथ ही हिंसक होता जा रहा है। इसराइल नेता और रक्षा अधिकारी बंकरों में टॉप सीक्रेट बैठकों के जरिए ईरान के संभावित हमलों पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह इसराइली हमलों को चुपचाप सहन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ये सब करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसराइल ने अपने हमलों का बदला लेने के तुरंत बाद कहा था कि हिसाब बराबर हुआ। अब ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर वह ऐसी गलती करता है तो इसराइल उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि ईरान की आने वाली पुश्ते तक इसराइली हमलों से सिसकियां भरती दिखेंगी। बता दें कि 25 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान पर घंटों तक अपना ऑपरेशन चलाया था। इसराइल ने दावा किया था कि सैकड़ों विमानों ने ईरान के रणनीतिक मिलिट्री साइटों को निशाना बनाया, खास तौर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री से लेकर लॉन्चिंग साइट्स पर धावा बोला, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इसके अलावा राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों करज, इस्फहान और सिराज में हमला किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इस बारे में कोई आकलन नहीं दे सकता कि ईरान क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। इजरायली हमले ईरान की ओर से किए गए अभूतपूर्व हमले के लिए इजरायल सरकार की एक उचित प्रतिक्रिया थी। इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। ईरान इस संदेश को जानता है, उन्हें किसी भी तरह से इस संघर्ष को बढ़ाना जारी नहीं रखना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जिन पियरे ने भी फिर कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इसराइल को खुद की रक्षा करने में सहायता करेंगे, लेकिन ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने दावा किया कि इसराइल अपने गलत मंसूबों को हासिल करने में विफल रहा है, लेकिन फिर भी इसराइल के लिए कड़वे परिणाम अकल्पनीय होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देता है तो वह कितना भीषण होगा, किस हद तक इसराइल को नुकसान पहुंच सकता है, क्या इससे इसराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे तमाम सवाल अब मिडिल ईस्ट की भविष्य की तस्वीर निर्धारित करेंगे। वही ये आशंका पूरी दुनिया को घर करने लगी है कि किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है।